नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। तमाम खबरें जो डालती है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17, 3 भारतीय नागरिक और 14 विदेशी शामिल। कोरोना वायरस के चलते कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अतिरिक्त सुरक्षा हटाई, अपनी सिक्योरिटी में एक पुलिस वैन छोड़ी, 4 पुलिसकर्मी भी किए फ्री। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से की अपने कार्यालय पर ना आने की अपील, फोन पर ही जनता की सुनवाई करेंगे मूलचंद। सामानों की जमाखोरी को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की चेतावनी, बोले कोई भी खान पान के सामानों की ना करे जमाखोरी, ऐसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अम्बाला में सैनिटाइजर बनाने के गोरख धंधे का ड्रग विभाग ने किया भंडाफोड़, किसी दूसरे के लाइसेंस पर चल रहा था काम। छापेमारी के दौरान मिली सैनिटाइजर्स की बॉटल्स, ड्रग विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। नकली सैनिटाइजर बनाने की सूचना मिलने पर ड्रग विभाग ने की कार्रवाई, सैनिटाइजर सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद दर्ज किया जाएगा मामला। गुरुग्राम में शराब के ठेकों पर कार्रवाई, 7 शराब ठेकों को किया गया सील। निगम का टैक्स और लाइसेंस की फीस नहीं देने पर हुई कार्रवाई, कई सालों से बकाया था निगम का टैक्स। मंडी बंद होने की अफवाह से यमुनानगर सब्जी मंडी में मची अफरा तफरी, सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंचे लोग। मांग के चलते मंडी में बड़े सब्जियों के दाम, दोगुनी दाम पर बिक रही हैं सब्जियां, लोगों को हो रही है परेशानी। कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरत रहा है सिरसा जिला प्रशासन, लघु सचिवालय के बाहर लगाई गई पानी की टंकी। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ धोने के लिए लगाई गई पानी की टंकी, साबुन का भी किया गया प्रबंध। एडीसी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की स्थगित, भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों से नहीं जाने की अपील। रेवाड़ी में हुआ टोटल टीवी की खबर का असर, विभाग ने पानी का टैंकर मंगवाकर बसों की करवाई धुलवाई, पहले बिना धुलवाई के रूट पर चलाई जा रही थी बसें। जनहित में हो रही लापरवाही को टोटल टीवी ने प्रमुखता से किया था प्रसारित, खबर के बाद हरकत में आया ठेकेदार, अपने सामने ही बसों को कराया सैनिटाइज। कोरोना वायरस के बढ़े प्रकोप से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने सचिवालय में प्रवेश करने वाले मंत्री, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों समेत अन्य लोगों का टेम्परेचर चेक करना शुरू कर दिया। सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी करमवीर ने बताया कि मुख्यमंत्री, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों समेत अन्य लोगों का टेम्परेचर चेक किया गया, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सचिवालय में ये जरूरी कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना वायरस के बारे में कहा कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आम लोगों को भी इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सुभाष बराला ने कोरोना वायरस के चलते संगठन के सभी बड़े कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में घर घर जाकर पैम्पलेट बांटकर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करेंगे। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए पलवल जिला अस्पताल की तैयारी, नागरिक अस्पताल के आपातकाल विभाग के पास खोला फ्लू क्लिनिक। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को अन्य मरीजों से दूर रखने के लिए खोला गया फ्लू क्लिनिक, स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। निर्भया के दोषियों को फांसी मिलने से हरियाणा भी महिलाओं ने यहां पर संतोष जाहिर किया है, जगमती सांगवान बोली कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिला। जनवादी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनमती सांगवान ने कहा कि अपराध करने वालों को नसीहत मिलेगी, हालांकि इन मामलों में मानसिक बदलने की यहां पर जरूरत है।